नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हम एल्काइल एमीन्स के बारे में, जिसमें शेयर होल्डर को जल्द लॉटरी लग सकती है। इस कंपनी के शेयर होल्डर को जल्द ही बहुत ही जबरदस्त लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि कंपनी जो है अपने स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है। तो 4 जनवरी को यहाँ पर आप देखते हैं बीएससी इंडिया पर आएंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें देखते हैं बोर्ड मीटिंग होना है। बोर्ड मीटिंग में जो शेयर होल्डर का अप्रूवल है उसमें भेजा गया है 30 दिसंबर, उस दिन फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। साथ ही साथ शेयर स्प्लिट होगा या नहीं होगा, जो कि शेयर होल्डर के ऊपर अप्रूवल के लिए छोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रपोजल ऑफ सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो अब जो नया फेस वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, जो पुराना फेस वैल्यू है वो 5 है। तो मतलब आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 5 टाइम्स हो जाएंगे। जिस न्यूज के बाद 2 दिन तक आपने देखा 15% का तेजी रहा एल्काइल एमीन्स में। काफी जबरदस्त स्टॉक है, काफी बेहतरीन स्टॉक है। आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए पर्सनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये स्टॉक काफी बेहतरीन है। हर गिरावट पे आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। जब भी मार्केट में गिरावट आता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखते हैं इसका जो लो प्राइस है 1021 रुपीज है और हाई प्राइस जो गया है ये 5600 तक, और करेंट प्राइस है इसका 5089 रुपीज और मार्केट कैप है इसका 10,393 करोड़ का, और इसका पी जो है वो 47 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 23 का है। तो थोड़ा महंगे पी पर स्टॉक मिले, तो जो अच्छे स्टॉक है वो आपको हमेशा महंगे पी पर ही मिलेंगे। और जो एल्काइल एमीन्स केमिकल्स है वो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करता है स्पेशलिटी केमिकल्स का। तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसको मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। अब रिजर्व की बात करें तो 624 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, जबकि 34 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। नेट प्रॉफिट की बात करें 245 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। प्रॉफिट का ग्रोथ 70% का है। हर चीज कंपनी का बेहतरीन है। ROCE 41% का है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी 42 का है। तो दोस्तों हर पैरामीटर पे आप देखेंगे ये कंपनी काफी बेहतरीन है। साथ साथ डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.39% का डिविडेंड यील्ड है। तो हर चीज कंपनी का काफी सॉलिड है। कंपनी वर्चुअली एक तरह से डेट फ्री है, क्योंकि मात्र 34 करोड़ का कंपनी के पास डेट है, जबकि रिजर्व काफी अच्छा है, प्रॉफिट भी काफी बेहतरीन है। अगर कंपनी के हम प्रोज कॉन्स की बात करें, कंपनी अपना डेट लगातार रिड्यूस किया है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और CAGR 33 का है, 33% का है, और जो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है आपने देखा है 32 से मतलब मोर देन है। तो लास्ट 3 इयर्स में लगातार मेंटेन किया है, और डिविडेंड भी काफी अच्छा पे करते हैं, 20% का डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। लेकिन जो कंपनी में दिक्कत है कि कंपनी का शेयर प्राइस काफी हाई है, अपने बुक वैल्यू से 16.38 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है कंपनी का शेयर प्राइस। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके लेवल्स और टारगेट का, कि इस स्टॉक का लेवल्स और टारगेट क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए टेक्निकल चार्ट पे स्टॉक काफी आपको सॉलिड दिखेगा। अगर हम डेली बेसिस पर देखें तो ये स्टॉक जो है डेली बेसिस पर आप एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। कभी भी आपको एंट्री होना है तो जब भी ये अपना डेली बेसिस पर 200 डे EMA, ये आप देखते हैं 200 डे का EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस पर जब भी सपोर्ट ले चाहे इसके नीचे हो तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। और ये हमारा है 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जब भी हमारा 200 डे के EMA के नीचे आता है तो आप सब यहां पर पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक आपको जल्दी कभी भी मौका नहीं देगा 200 डे के EMA के नीचे आते हुए। यहां पर देख सकते हैं, हम यहां पर देखते जाइए, मात्र यहां पर जो मार्च में अप्रैल में गिरावट आया था पैंडमिक कारण, वहीं पर ये 200 डे के EMA के पास आया था, वो उसको भी ब्रेक नहीं किया। उस उतने बड़े मार्केट के गिरावट में, उतना जो मार्केट क्रेश हुआ उसके बावजूद ये डेली चार्ट पर 200 डे के EMA को ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों ये काफी सॉलिड स्टॉक है। ऐसे सॉलिड स्टॉक आपको हमने बताए थे कई सारे वीडियो में, एल्काइल एमीन्स हो गया, आपको एशियन पेंट हो गया, ये सारे इतने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है कि इसके बिजनेस भी काफी बेहतरीन है, और साथ साथ टेक्निकल चार्ट पे भी ये स्टॉक्स काफी सॉलिड है। यहाँ पर आपको वीकली चार्ट पर दिखाते हैं, देखिये वीकली चार्ट पर ये और आपको सॉलिड दिखेगा। ये स्टॉक कभी भी अपने 50 डे के EMA को भी ब्रेक नहीं किया वीकली चार्ट पर। 200 डे के EMA को तो आप छोड़ ही दीजिए, 200 डे के EMA को कभी भी ब्रेक करता नहीं दिखेगा। 50 डे के EMA को ब्रेक किया तो तुरंत ही अगले ही 2-3 वीक में ये देखते हैं फिर उसके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर देखते जाइए काफी सॉलिड है, काफी सॉलिड देख सकते हैं चार्ट। आप पीछे चलते जाइए, आप देखिए यहाँ पर कितना सॉलिड चार्ट है। पहले यहाँ पर छोड़ दीजिए, पिछले 10 साल का इसका चार्ट देखिए, पिछले 10 साल में ये लगातार जो है अपना, यहाँ पर देखते जाइए पिछले 10 साल में लगातार काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है ये कंपनी। यहाँ देख लीजिए 200 डे के जो EMA है उसको कभी भी ब्रेक नहीं किया है, देख लीजिए 200 डे के EMA को कभी भी ब्रेक नहीं किया है पिछले 10 साल में। 2000 ट्रेंड से अभी तक ले लें
तो दोस्तों ऐसे स्टॉक जब भी आपको गिरावट मिलता है, जब भी 200 डे के एमए के आसपास मिलता है, अगर उसके नीचे आता है तब मिलता है, तो और भी काफी बेहतरीन है, इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट जरूर करें। अब बात करते हैं क्या लेवल होना चाहिए आपके एंट्री का और क्या लेवल होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। टारगेट तो आपने देख ही लिया कि जब स्टॉक में वीकनेस आएगा, वीकली चार्ट पर अपना प्रीवियस जो लो होगा, पिछला जो लो होगा उसको ब्रेक करेगा वीकली चार्ट पर, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पर एंट्री क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे चुका है और ये ब्रेकआउट काफी जबरदस्त था। दो दिन ये 15% की तेजी इसमें देखने मिला और जो तीसरा दिन है यहाँ पर थोड़ा सा अपना ऑल टाइम हाई बनाया और फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने आपको मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर एंट्री लेना है तो थोड़ा सा वेट करना है, इसको कंसोलिडेट होने देना है। जैसे जैसे कंसोलिडेट होकर के अपना सपोर्ट बनाता है तो उस सपोर्ट पे आपको जो है एंट्री लेना पड़ेगा। और जो स्टॉप लॉस है वो जस्ट यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया है देखते हैं, यहाँ से नीचे लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्वांटिटी आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉप लॉस अभी तो काफी बड़ा है, कंसोलिडेट होता है तो हो सकता है ये 4000 या 4500 तक आए तो आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। तो आपको अब वेट करना पड़ेगा, मार्केट में अगर करेक्शन आता है, साथ साथ स्टॉक में जो करेक्शन आता है, तो फिर कहां पे ये सपोर्ट अपना बनाता है उस सपोर्ट पे आपको एंट्री लेना है। अभी इसमें बिल्कुल एंट्री ना ले क्योंकि अभी आप देखते हैं काफी जबरदस्त ये यहां से मूवमेंटम दिखाया, जबरदस्त तेजी इसमें देखने मिला है, तो थोड़ा सा इसमें आप वेट कीजिए। जो स्टॉक स्प्लिट का न्यूज है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स वो 5 times हो जाएंगे, जिसके कारण इसमें काफी तेजी देखने मिला, तो उसके बाद देखते हैं इसमें कहां तक ये कंसोलिडेट होता है, कहां तक मतलब नीचे आता है, उसके बाद इसमें आप एंट्री लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।